स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर. ओके, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में दूसरा फास्ट है तो हम कैसे पता करेंगे. वॉट डज द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम डिस्टेंस, यूनिट टाइम इंडिकेट. एक टाइम ले लेते हैं, टाइम में कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे पता चलेगा. यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन. मीन्स जो भी कोई बॉल है, बॉल अगर ग्राउंड पे हम रोल करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस के बाद में स्लो हो जाएगा. सम टाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉल स्लो होने के साथ साथ वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देगा. हैव यू एवर वंडर्ड दैट मेक्स अ ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इन डायरेक्शन. कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, या तो वो स्लो हो रहा है या तो फास्ट हो रहा है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. फुटबॉल मूव की बात करते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक मूविंग बॉल मूव फास्टर. हाउ डज गोलकीपर स्टॉप द बॉल. जैसे कोई गोल करने के लिए कितना फास्ट मारता है तो ये किक करता है, और दूसरे हिसाब से गोलकीपर कैसे इसको रोकता है. तो दोनों अलग अलग है ना. एक है वो अपना जो फोर्स है वो किक करने में लगा रहा है, और दूसरा जो है वो अपना जो फोर्स है वो उसको रोकने में लगा रहा है. अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द फ्लिक स्टिक. देखो सेकंड में हॉकी प्लेयर दिखाया है, तो हॉकी प्लेयर क्या करता है, जो आगे का जो पार्ट आपको दिख रहा है, वो उसी पार्ट से बॉल को लेफ्ट राइट ऐसे करके घुमा सकता है और उसे डायरेक्शन चेंज कर सकता है. हाउ डू फील्डर स्टॉप द बॉल व्हेन हिट बाय बैट्समैन. कभी कभी आपने क्रिकेट देखी होगी, तो क्रिकेट में बैट्समैन जो बॉल को फ्लिक करता है तो कैसे कैसे फील्डर उसको डाइव लगा के और कैसे कैसे रोकता है उसको. इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू फास्ट मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज. इसमें ये रोक रहा है, इसमें ये मार रहा है, तो ये मार रही है तो ये क्या होगा, स्पीड फास्ट होगी. ये भी रोक रहा है तो इन दोनों में स्पीड कम होगी, और अगर ये हॉकी से मार रही है तो इसका क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा. अब बात करते हैं फोर्स ऑफ पुश एंड पुल. पुश करना मीन्स किसी को धक्का देना, और पुल करना मीन्स किसी को खींचना. एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड ऑफन यूज डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. किसी भी चीज़ को या किसी भी टास्क आपको पूरा करना है या कुछ काम करना है तो ये सब में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. लाइक किसी भी चीज़ को किक करना मीन्स किकिंग, किसी भी चीज़ को मारना मीन्स हिटिंग, किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना मीन्स पकड़ना, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब सर्टेन टास्क है. इससे क्या होगा, ईच ऑफ दिस एक्शन यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये टास्क है वो क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ऑब्जेक्ट को मोशन करना है, तो ये सब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अभी एक्टिविटी नंबर 11.1 देखते हैं क्या दिया है. टेबल नंबर 11.1 गिव्स अस सम एग्जांपल ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन ऐड मोर सच अ सिचुएशन और रिप्लेस दोस गिवन हियर. ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व ईच केस, पुश फोर्स है कि पुल फोर्स है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. वन एग्जाम्पल गिवन, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, तो आपको बताना है कि ये कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है. लाइक मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल. तो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए आप उसको पुश करके धक्का लगा के भी उसको रख सकते हो. पुल मीन्स उसको उठा के भी, लिफ्ट मीन्स उसको घसीट के भी कर सकते हो, मीन्स उठा के भी कर सकते हो. तो इसमें पुलिंग फोर्स भी लग रहा है और पुशिंग फोर्स, तो दोनों में यस. वैसे ही ओपन अ शट अ डोर, तो उसको पुल करके भी आप खींच सकते हो या पीछे से धक्का भी लगा सकते हो, तो पुशिंग पुलिंग दोनों, तो दोनों में यस. तो ऐसे ही आपको दूसरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आपको बताना है. थर्ड क्या है, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ वेल.
तो आपको ये बताना है, ये एक्टिविटी घर से करनी है। थर्ड, फोर्थ, फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। पेनल्टी किक में क्या होता है, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, उसमें क्या होता है, बैट्समैन जो क्रिकेट बॉल जो होता है उसको हिट करता है, उसमें क्या होता है। मूविंग अ लोडेड कार्ड, तो उसमें क्या होता है। एंड लास्ट, ओपनिंग अ ड्रॉअर, तो ड्रॉअर को आप कैसे ओपन कर सकते हो, पुश कर रहे हो कि पुल कर रहे हो, तो उन दोनों में से क्या प्रोसेस करते हो दोनों में, वो बताना है आपको। ये सात अलग अलग जो टास्क दिए हुए उसमें आपको बताना है कि किस में आप पुल करोगे, किस में पुश करोगे, या पुलिंग होता है या पुशिंग होता है, वो सब आपको बताना है। वो टेबल नंबर 11.1 है। तो यहाँ पे 7 अलग अलग टाइप्स के एक्टिविटीज दिए हैं, तो किस में पुश पुल लगता है और किस में पुल फुल लगता है वो आपको दिखाना है। तो ये डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप एज अ पुल और पुश ऑफ बोथ। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल। आपको बताना है कि ये जो ऊपर की जो आपको एक्टिविटी दी है वो सब पुशिंग फोर्स लग रहा है उसमें कि पुलिंग फोर्स लग रहा है, वो हमको बताना है। इन अ साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स साइंस में किसी भी चीज़ को पुल करना या तो किसी भी चीज़ को पुश करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। ओके, जब किसी भी चीज़ पे फोर्स लग रहा है तभी वो क्या करता है, मोशन में आता है और उसकी कुछ ना कुछ मोशन होती है। वैन डज अ फोर्स कम इन टू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। मीन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि फोर्सेस जो है वो कैसे कैसे इंटरेक्शन से आपको फोर्स लग रहा है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, सिंपल बेसिक्स का इंट्रोडक्शन दिया पहले कि फोर्स कैसा कैसा होता है, और गोलकीपर का एग्जांपल लिया, हॉकी का लिया और फील्डर का लिया। फिर फोर्स, फोर्स में है पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स। तो आपको घर से एक पुलिंग पुशिंग में शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, क्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब कुछ दिया हुआ है आपको टास्क। फिर ये टास्क से हमने क्या किया कि ये टास्क करके हमने पीछे की 7 अलग अलग एक्टिविटीज देखी 11.1 में, कि अगर आप बुक को प्लेस करते हो टेबल पे तो कैसे कर सकते हो, तो पुश करके भी कर सकते हो, पुल करके भी, लिफ्ट करके, कैसे कैसे कर सकते हो इसमें से। तो हम पुश करके भी उसको रख सकते हैं या तो पुल कर सकते हैं, मीन्स उसको पुल करके भी रख सकते हैं, मीन्स दोनों इसमें काम आता है। तो ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये 6 अलग अलग एक्टिविटी भी आपको दिखानी है कि उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, पुल फोर्स, पुश फोर्स, तो इसमें काम क्या होगा वो आपको बताना है। ओके?